The Sale of Goods Act 1930, इसके ऊपर देखो कुछ कुछ नई नई चर्चा भी कर लेते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 7 था, जिसके अंदर क्या था, सेल ऑफ गुड्स था, उसको हटा के इंडियन सेल ऑफ गुड्स बिल बना. बिल को असेंट मिला 15 मार्च को और केम इनटू फोर्स, हो गया गुड. बस और क्या चाहिए. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डज नॉट डील विद मॉर्गेज और प्लेज बिकॉज इट डील्स विद मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली. द एक्ट डील्स विद गुड्स बट नॉट विद ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि गुड्स से डील करता है लेकिन सारी मूवेबल प्रॉपर्टी को डील नहीं करता. से फॉर एग्जाम्पल एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी में डील नहीं करता. सेल ऑफ गुड्स एक्ट डज नॉट डील विद मॉर्गेज प्लेज एक्शनेबल क्लेम मनी, ठीक है ये सब. हाँ, उसके अंदर 1, 2, 3 जो है वो कहां जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर. मॉर्गेज प्लेज एक्शनेबल क्लेम से कौन डिस्कस करेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिस्कस करेगा. इंपॉर्टेंट टर्म्स, बायर, अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय, सेलर, पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल. मैं बोल सकता हूं स्कोप बढ़ाने के लिए, एक्ट का स्कोप बढ़ाने के लिए ये स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया डेफिनेशन के तौर पे. बोलो बढ़िया 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 बढ़िया, चलो बहुत ही बढ़िया. आगे बढ़ते हैं भाई. गुड्स, गुड्स क्या इंक्लूड करते हैं और क्या एक्सक्लूड करते हैं. गुड्स इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास, ठीक है. टोपा में से इसको हटा दिया, टोपा इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें से हटाया गया है किसको, ग्रोइंग क्रॉप, स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रास को. साफ साफ लिखा गया है कि भैया ये सब नहीं आएगा. गुड्स में इंक्लूड में मैंने और क्या क्या डाल दिया, ओल्ड करेंसी, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है. शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट, अभी आजकल आते हैं ना पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन बनी पेंडिंग अलॉटमेंट, हाँ तो वो फिर गुड्स में नहीं आते, ठीक है. क्यों, क्योंकि उस पर अपना सेलिंग राइट आया ही नहीं है ना. अरे बिफोर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी जमा करना मतलब क्या, भिक्षा मांगना. शेयर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट कराना मतलब इनविटेशन टू एन ऑफर, ऑफर प्रोस्पेक्टस से क्या है, इनविटेशन टू एन ऑफर. और अपने एप्लीकेशन मनी जमा करा के क्या दिया है, ऑफर. तो अभी तो उसने एक्सेप्ट करा है क्या, नहीं. तो सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट बनने की कोई बात भी हुई है क्या, नहीं. तो लॉजिक लगाओ क्या, कि शेयर्स ओनली आफ्टर अलॉटमेंट. मतलब अगर आपके बैलेंस शीट का एक आइटम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, I would say that it is offer yet to be accepted. या फिर उसका लीगल फॉर्मेलिटी करना बाकी है, मैं ऐसा कह सकता हूं. गुड, क्या एक्सक्लूड करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, मनी, करेंसी, हो गया था ये सब भी. एक्शनेबल क्लेम क्या हो गया, अनसिक्योर्ड डेट, ठीक है. चलो अनसिक्योर्ड डेट का लेकिन असाइनमेंट हो सकता है, ठीक है, मतलब आप किसी को टिका सकते हो. क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिजेंट गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, अनएसर्टेन गुड्स, एसर्टेन गुड्स. स्पेसिफिक गुड्स नो रिप्लेसमेंट, अनएसर्टेन बल्क फॉर्म में होता है, गोडाउन स्टॉक टाइप का. एसर्टेन गुड्स, गुड्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क, ठीक है. चलो आगे बढ़ा जाए. एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो इट इंक्लूड सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल. और फिर सब कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ खास था नहीं. आपको टू पार्टीज थे एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है. पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा, जनरल प्रॉपर्टी ओनर के पास रहती है, स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है फिर भी पौनी बेली के तौर पे भी. प्लेज के अंदर पौनी और बेली के अंदर, हाँ मतलब बेलमेंट के अंदर बेली, ठीक है. गुड, सम्यक कैसा चल रहा है, जीवन अच्छा चल रहा है. प्राइस होना चाहिए, बार्टर नहीं चलेगा. और क्या बोला, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बचा कुचा जो भी है पूरा होना चाहिए. सेल एग्रीमेंट टू सेल के अंदर हम लोग जो भी डिफरेंस पढ़ना चाहते थे ऑलरेडी डन, राइट. जज इन रेम, जज इन परसोनम, ये ध्यान रखना, ठीक है. इधर जो मैं अपना उंगली दिखा रहा हूं ना, वहां पे जज इन रेम, जज इन परसोनम ध्यान में रखना. वॉट एल्स, ये सब तो कर ही चुके थे. हाँ, कुछ और भी एडेड जो है अपने 8 और 9, इनसॉल्वेंसी ऑफ बायर, इनसॉल्वेंसी ऑफ सेलर. अच्छा, अगर अगर यहाँ पे सेल हुआ है तो बायर क्या हो गया, ओनर हो गया. बायर के पास क्या है, राइट इन रैम, मतलब पूरी दुनिया से ले सकता है. तो इसका मतलब क्या होगा, जो सेलर है, सेलर वो क्या है, ऑफिशियल असाइनी जो होगा उसके थ्रू. इनसॉल्वेंसी अगर हो गई बायर की और बायर के पास गुड्स हैं, तो बायर के पास तो क्या हो गया, राइट इन रैम. तो उसके पास तो प्रॉपर्टी को वो एंजॉय कर सकता है एज अगेंस्ट एनी पर्सन इन दी वर्ल्ड.
चाहे वो प्राइस उसका पे किया हो या नहीं किया हो, तो प्राइस तो पेएबल था और क्या हो गया, इनसॉल्वेंट। कौन? बायर। तो बायर के पास तो जज इन रेम है, मतलब वो गुड्स तो रखेगा, और क्योंकि ऑफिशियल असाइनिंग हो जाएगा तो ऑफिशियल असाइनिंग क्या होगा, ऑफिशियल असाइनिंग जो भी सेलर को देगा रेटेबल डिविडेंड वो सेलर को लेना पड़ेगा, ठीक है। इनसॉल्वेंसी अगर बायर की होती है कब, एग्रीमेंट टू सेल में, तो बायर अभी तक ओनर बना था क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना बाकी था, ठीक है। सेलर क्या है? स्टिल द ओनर है। सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड। सिमिलरली इनसॉल्वेंसी हो जाती है सेलर की, तो सेलर से बायर का इंटरेस्ट किस में था? गुड्स में। तो मैं कह रहा हूं कि अगर सेल हो चुका है, ठीक है, तो फिर क्या लिखा है, द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर। अब वो भी यकीन कैसे आएगा, एक तरीके से उस तरह से आ सकता है, राइट। तो अपने गुड्स जो है वो क्लेम कर सकता है, बायर क्लेम कर सकता है, क्यों? क्योंकि बायर के पास क्या आ चुका है, जज इन रेम। तो जज इन रेम मतलब उसका प्रॉपर्टी पे राइट है एज अगेंस्ट एनीबडी एल्स इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो वो अपना प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है, आधा के पूरा पूरा। यहां पे क्या कर सकता है, रेटेबल डिविडेंड ले सकता है। यहां पे हम अज्यूम करेंगे क्या, देखो इधर ऊपर अपन ये अज्यूम करेंगे कि सेलर ने गुड्स दे दिया है और बायर ने पैसा नहीं दिया और बायर हो गया फरार, क्या मतलब कंगला हो गया, कंगला, ठीक है। और यहां पे क्या अज्यूम करोगे कि सेलर ने गुड्स दिया है कि नहीं दिया है, नहीं, लेकिन बायर अपना पैसा दे चुका है, ठीक है। बायर ने पैसा दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था, तो गुड्स पे अप्रत्याशित अधिकार जज इन रेम किसका आ गया, बायर का। तो बायर पूरे के पूरे गुड्स छीन के ला सकता है कि नहीं ला सकता, ला सकता है ना, खुद सोचो ला सकता है कि नहीं ला सकता। वो बोलेगा कि भाई तू कौन है, असाइनी, मेरे आगे कुछ नहीं है असाइनी वसाइनी, क्योंकि मैं क्या एक्सरसाइज करता हूं, जज इन रेम, मेरे तो मैं पूरी दुनिया से झगड़ सकता हूं। असाइनी लिया तो सुप्रीम कोर्ट लिया जा, ठीक है, उनको लिया प्रधानमंत्री को, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। बोले मोदी जी को लाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इनसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर, अगर सेलर ओनर पड़ा है अभी तक भी गुड्स का, तो अपन प्राइस दे दिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, प्राइस को रेटेबल डिविडेंड के फॉर्म में यानी प्रपोर्शनेट फॉर्म में रिकवर कर सकते हैं। कोई तकलीफ ना? हाँ, क्यों नहीं, बता ही देते। इनसॉल्वेंसी ऑफ बायर, इनसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, पहले तो आपने इसकी प्री कंडीशन सोचो, हुआ क्या होगा, बायर जो हुआ है उसने बेचारे ने पैसा नहीं दिया है, कंगला हो गया, और गुड्स आ गए किसके पास, बायर की गिरफ्त में। अब इसमें तो गुड्स आए नहीं होंगे, इसमें गुड्स आ चुके, तो इसके पास तो क्या है, राइट इन रेम है, ये तो लेके बैठा है, गुड्स तो ये किसी को भी नहीं देगा, ऑक्शन होंगे, असाइनी को देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हिसाब चुकता करना है, वहां से होगा। तो वो जैसे ही वहां पे देगा तो वो क्या होगा, सेलर जो है वो ऑफिशियल असाइनी के थ्रू, सेलर का इंटरेस्ट किस में, गुड्स में के प्राइस में, प्राइस में, तो उसको प्राइस का रेटेबल डिविडेंड मिल जाएगा, टुकड़ा मिल जाएगा, जो भी होता है ना, ऐसे लिखा आता था अपन लोग ग्यारहवीं में पढ़ते थे, 40 पैसा वॉज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, ए बिकम इंसॉल्वेंट। तो पहले तो इंसॉल्वेंट बनता था तो अपन डालते थे बैड डेट्स, फिर अचानक एक खबर आती थी कि वो जो पहले एक भिक्षुक जो बैड डेट्स हुआ था उसने अचानक अभी कुछ पैसा ला करके दे दिया है, तो याद हो तो अपन करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट करते थे ना, हाँ, तो यही तो था। ये भिक्षुकों के बारे में तो पढ़ चुके हो ना तुम पहले से ऑलरेडी, ठीक है, पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके, और क्या, इंसॉल्वेंट हो गया मतलब क्या हो गया, खत्म हो गया सब, ठीक है, पैसा ले लिया, गुड्स ले लिया, पता नहीं दे नहीं रहे कुछ, ऐसे थोड़ी चलता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर अगर होती है एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, तो गुड्स अभी तक कौन रख के बैठा हुआ है, मध्य, समझे, गुड्स ही मध्य, पता चल गया ना, इंसॉल्वेंसी पता चल गई बिफोर, ठीक है, बिफोर द सेल कुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड, तो क्या करेगा, बोले भाई निकल लो बाहर, सही बात है, भागते चोर की लंगोटी भी अच्छी, इससे प्राइस का लालच नहीं करना, अपने बाहर निकलो। अच्छा, इनसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर, सेलर इनसॉल्वेंट हो गया है, तो इसका मतलब आपको प्रीजम्पशंस क्या लेनी है। इनसॉल्वेंसी ऑफ सेलर पहली बात तो बायर को इंपैक्ट कब करती है, मैं बोलूंगा कि जब उसने बेचारे ने प्राइस जाकर के चुका दिया हो, अदा कर दिया हो, प्राइस अगर अदा ही नहीं किया हो तो दिमाग लगा लेगा वो भी अपना, ठीक है, हाँ, मैं कह रहा हूं प्राइस अदा कर दिया है, तो मैं कह रहा हूं कि भैया अगर आपने यहां पे देखो क्या लिखा है, यहां पे द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका, तो बायर जाके क्या बोलेगा अपने कोर्ट वाले आदमी को, असाइनी को, बोले भाई सुन, ये गुड्स किसका है, मेरा है, ये तू नहीं बांट सकता, बिकॉज आई होल्ड व्हाट, राइट इन रेम या जज इन रेम,
जब मेरे पास जज इन रैम है तो दैट मीन्स अपना है सब कुछ, ठीक है, राइट, समझ गए. इट इज बिकॉज ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज विद द बायर. तो ऑफिशियल असाइनिंग क्या करेगा, इसको देगा गुड्स पूरे के पूरे. बोले हाँ तेरे से तो सेल हो चुका ना, तो भाई तू तो गुड्स लेके जाएगा ना, हम तो बचे कुचे में से बाकी चुकाएंगे ना, तेरे में से कैसे चुका देंगे. आगे बात समझ में, जायज बात है या गलत बात है, जायज बात है बिल्कुल. इनसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर, सेलर इज द ओनर, गुड्स कौन लेके बैठा है, सेलर लेके बैठा है, प्राइस अपने पे कर दिए. क्यों, अग्रीमेंट टू सेल में प्राइस पहले पे नहीं हो सकता क्या, गुड्स बाद में डिलीवर होगा, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स, प्राइस तो पहले पे हो ही सकता है. प्राइस पे कर देने का मतलब सेल का मेरे पास जज इन रैम आ गया, ऐसा कैसे हो गया, नहीं हुआ ना ऐसा. मैं बोल रहा हूं एग्रीमेंट टू सेल चल रहा था, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल चल रहा था और क्या हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ मैंने, रेटेबल डिविडेंड कैन बी क्लेम्ड बाय बायर इफ प्राइस हैड बीन पेड बाय हिम. प्राइस दे दिए थे, आपको पता है ना, तीन चार केस में बोला था, अनअसर्टेन गुड्स में भी पैसा तुम दे के आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो. मैं एडवांस दे आया 2000 रुपया, है ना, गेहूं लेना था मुझे 15000 रुपए का, हो सकता है ये 2000 रुपया मेरा क्या हो जाए, खराब हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो बाकी 13 तो नहीं दूंगा, लेकिन 2000 का मुझे क्या मिलेगा, रेटेबल डिविडेंड. वाई, बिकॉज गुड्स वर नॉट असर्टेन. अगर गुड्स असर्टेन होके थैला बन जाता तो मजा आ जाता, मैं वो गुड्स लेके आता और मेरे को कोर्ट को भी वो गुड्स देना पड़ता, समझ गए, क्योंकि गुड्स क्या हो गए, डिलीवरेबल स्टेट में आ चुके थे, तो मेरी प्रॉपर्टी पास ऑन हो चुकी थी. तो मस्त ऐश करो ना, हाँ, बाहर जाके 4 स्क्वायर खरीदो और फूको, कोई बात नहीं, होता रहता है. सही बात है, अरे फिर क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ. अगले के लॉस की बातें करो पान वाले से, बोले यार आजकल ऐसा ऐसा हो जाता है, आज मैंने ये किया था अब ये हो गया, ठीक है, और क्या करोगे, और तुम्हारे पास करने को भी कुछ नहीं है, 10 रुपए खर्चो, एंजॉय करो, ठीक है, उस दुख को उतार लो अंदर, ठीक है, चलो है. पीछे देखो क्या है, फाइंड योर ओन लाइट, कितनी बार बताऊंगा, हाँ बता दूंगा. जज इन पर्सोनम मतलब राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन. जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात करते थे तो मैं ऐसा कहता था, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास में राइट इन पर्सोनम रहता है, राइट, राइट इन रैम नहीं रहता. क्यों, क्योंकि पर्सोनम, क्योंकि मैं उस पर्सन पे केस कर सकता हूं, मैं उस चीज के लिए किसी और पे केस नहीं कर सकता. तो एग्रीमेंट टू सेल इज जस्ट अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज नॉट एन एक्चुअल सेल, वो तो सेल तो बाद में होगा. तो जब तक सेल नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुई, तो गुड्स पे अधिकार आया है क्या, नहीं. तो अगर मेरा गुड्स वुड्स मिला नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है, प्राइस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं क्या एक्सरसाइज करूंगा, जज इन पर्सोनम, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ एक जने को बोल सकता हूं. क्या तुम किसी और से जाके गुड्स लेके आ सकते हो क्या, अब तो तेरे में से, तेरी खोली में से निकाल के जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं कर सकते तुम. केवल और केवल क्या कर सकते हो, उस आदमी के खिलाफ अधिकार रखते हो. आगे बात समझ में, ये था जज इन पर्सोनम, ठीक है, हमने लगाया इसलिए रखा है, फाइंड योर ओन लाइट. मैं बोला पीछे देखो क्या है, वो देखना रहेगा तुमको, ठीक है, हाँ, फाइंड योर ओन लाइट. ये हमने स्टीकर इसलिए ही लगवाया है कि ज्यादा समझ में नहीं आए तो दर्शन कराने में, ठीक है, कि हाँ लॉर्ड बुद्धा बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं, खुद का प्रकाश स्वयं ढूंढिए, ठीक है, वेरी गुड. चलो क्या फॉर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू पास टू द बायर, द गुड्स शुड बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट. और डिलीवरेबल स्टेट में लाने का मतलब क्या है, अनअसर्टेन गुड्स कभी भी डिलीवरेबल स्टेट में हो सकते हैं क्या, नहीं. स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में लाए जाएंगे, येस, वेन द बायर कैन नॉट डिनाई डिलीवरी ऑफ देम, ठीक है, वो होती है डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट ऑलवेज बी गुड्स. अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए तो
तो पहली बात तो मैंने बोला कि प्रोविजन जो है वो केवल और केवल किसको, स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स को अप्लाई होता है, अनअसर्टेन गुड्स को अप्लाई नहीं होता। मैंने कहा गुड्स पेरिशिंग और डिस्ट्रॉयड बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने उसमें कंडीशन लिख दी, द गुड्स विल बी व्हाट, सेल ऑफ गुड्स वुड बी व्हाट, वॉइड। ठीक है, कब, जब स्पेसिफिक गुड्स हैं, गुड्स पेरिश हो चुके, सेलर को कोई नॉलेज नहीं थी। अगर नॉलेज है सेलर को तो फिर क्या हो जाता, फ्रॉड, फिर तो डैमेज अलग लेता। ठीक है, डैमेज अलग लेता, समझे ना, केवल बेनिफिट रिटर्न नहीं करता, डैमेज अलग से लेता। अभी तो क्या होगा, अभी तो ये जैसे ही वाइड हुआ है वैसे भी जिसको जो जो बेनिफिट मिला है वो उसको उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, लेकिन वहां पे तो डैमेज अलग से लेगा। क्लियर? ओके, देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या हो गया, एग्जीक्यूटेड हो जाता है बेसिकली। ओके, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है ये, आगे कौन सा केस पढ़ेंगे, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल हो चुका, सेल होना बाकी था, उस बीच में उस दौरान क्या हुआ, ठीक है, पता चला कोई ग्रेनेड फेंक गया अपने शोरूम में घट, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, द एग्रीमेंट टू सेल इज फॉर स्पेसिफिक गुड्स। पहली बात तो स्पेसिफिक होना चाहिए, अगर स्पेसिफिक नहीं है तो दूसरी चीज तो आ ही सकती है, आया ना, आ सकती है ना, और असर्टेन कर लियो तो इसका मतलब स्पेसिफाई कर ही लियो ना, असर्टेन करने का मतलब क्या है, निकाल के छांट के रख दिया है, तो वो चीज हुई है तो एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट कटेगा, नया ला के देना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, द गुड्स पेरिश सब्सिक्वेंट टू द एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स इज मेड बट बिफोर द रिस्क इज पास टू द बायर, तो रिस्क तो पास हुई नहीं, एंड गुड्स पेरिश विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और द बायर, मतलब किसी की गलती से नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अच्छा, पहली बात तो एक्सेप्शन कहां डाल दिया, वेयर द सेलर हैज नॉलेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ठीक है, और वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट फॉर स्पेसिफिक गुड्स बट फॉर जेनेरिक और अनअसर्टेन गुड्स, तो फिर इसके लिए तो कोई तो की नहीं है, सेक्शन बनता ही नहीं, क्यों, क्योंकि दूसरा दे देंगे, कौन सा सिलेक्ट कर ही लिया था, क्या डिस्ट्रक्शन बताऊंगा कि यार मैं तो बर्बाद हो गया भाई, तो बोलेगा इंसॉल्वेंट हो जा, अगर एग्रीमेंट टू सेल पूरा नहीं कर पा रहा तो, वरना पूरा कर, हाँ या ना, सिंपल बात है ना, अगर अनअसर्टेन गुड्स हैं तो एग्रीमेंट टू सेल ही तो हुआ है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, कल ही तो पढ़ रहे थे, शेयर सर्टिफिकेट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू शेयर्स, इट कैन नॉट अफेक्ट सेल, यहाँ पे क्या लिखा है, शेयर वॉरेंट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर वॉरेंट कैन इफेक्ट सेल। ओके, ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल विल ट्रांसफर द ओनरशिप, हाउएवर डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल डज नॉट क्रिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सैंपल डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं कुछ, रोड के लिए लॉरी रिसीट, रेल के लिए रेल रिसीट, सी के लिए बिल ऑफ लेडिंग, एयर के लिए एयर वे बिल, तो अगर इस तरह के कुछ भी लिखा हुआ आ जाए तो आप क्या मानोगे, सीधा सीधा ये क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो एक काइंड ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी क्रिएट कर देता है, समझे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जिसके हाथ में, वो डिलीवरी लेने का अधिकार रखता है, नहीं रखता, फिजिकल डिलीवरी, यस, है ना, तो उसको क्या हो गया, उसको एक सिंबॉलिक डिलीवरी मिल जाता है जिस मोमेंट पे, तो इसका मतलब अगर सिंबॉलिक डिलीवरी मिल गया है किसी को तो रिस्क पास ऑन हो गया है या नहीं हो गया है, हो गया है, मतलब चाबी मिलने के बाद, ठीक है, अब जो हो, हाँ, सारे कागजात आपको क्या देते हैं, सिंबॉलिक डिलीवरी तो देते हैं, कागज से अधिकार जताते हो, तो जो कागज है वो क्या है, सिंबल है, ठीक है, एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगी। अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स सिंबलाइजेस द गुड्स, देयरफॉर इट कैन बिकम सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो बोल रहा है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को सेल कर सकते हो जाके, क्योंकि वो क्या करता है, वो उन्हीं का चीजों की तो ओनरशिप को ही तो दिखाता है, तो मतलब डॉक्यूमेंट को भी आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट मैटर बना सकते हो, जैसे हम लोगों ने बोला ना सेल ऑफ गुड्स में क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, गुड्स हैं, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स इज ऑल्सो वॉट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल, मतलब कोई बोले कि नहीं मैं तो कार ऐसे बेचो, कागज थोड़ी बिकता है, अरे कागज सेल होगा उसके पीछे कार चल जाएगी, ठीक है, तो हम लोग बेसिकली डीलिंग किस पे कर रहे हैं, कागजों पे कर रहे हैं, वो ये बता रहा है, कोई खास बात लगी अभी तक, देखो लॉग ये तीसरा रिविजन चल रहा है सेल ऑफ गुड्स का, ठीक है, बाय डिफॉल्ट अभी तक जो पढ़ा है उसका, मैं अगेन बोला था इनिशियल पोर्शन ही मुश्किल है, आगे का पोर्शन बहुत सिंपल है, ठीक है, और मैं बारंबार ऐसा बोलता रहूंगा। इट ऑथराइजेस द पोजेसर टू रिसीव और टू ट्रांसफर द गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय इट,
जिसके पास भी ये है वो किसी और को भी गुड्स आगे भी भेज सकता है, सेल भी कर सकता है, या फिर वो उसकी पोजेशन रख के उसके गुड्स को रिटेन भी कर सकता है, उसकी जो मर्जी, मतलब रीसेल करने का अधिकार आ चुका होता है। ठीक है, सिंबॉलिक डिलीवरी दर्शाता है हमारा ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। और क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑपरेट्स एज ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स। ठीक है, ओके, टाइप्स ऑफ डिलीवरी एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव सिंबॉलिक, वही से है जो आपके मैट में लिखा है, पढ़ा दिया है ऑलरेडी एंड एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस ऑलरेडी डन, राइट, थर्ड पार्टी कब करता है, मार्केट प्राइस से कब होता है, और रीजनेबल प्राइस कब यूज किया जाता है, ये सब हो गया है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी, वो सब देख ही चुके हम लोग। आज क्या पढ़ना है, कंडीशंस एंड वारंटीज। देखो जो अपन गारंटी वारंटी और ये सब पढ़ के आए, ये सब बकवास बातें हैं, जो अपन अपने कॉमन धंधेबाजी में पढ़ के आए हैं वो बात नहीं कर रहे हैं।